आयुर्वेद में कोई भी बुखार और बदन दर्द से कैसे राहत पा सकता है, क्या कुछ देसी नुस्खा है? नमस्कार। मैं आयुर्वेदिक सिस्टम में आप जानते हैं कि ये आदि काल से ही आयुर्वेद का उत्पत्ति हुआ है और मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो जड़ी बूटी हैं, पेड़ पौधा है, उससे रिलेटेड जो भी व्याधि उत्पन्न हुआ मनुष्यों में, तो पेड़ पौधा में, हर पेड़ पौधा में प्रायः उसका जो है हर, जैसे कि मान लिया कि हरसिंगार होता है, औषधीय उसमें जो है औषधीय गुण होता है, उसमें प्रयोज अंग भी होता है, अलग अलग ढंग के पांच प्रकार का अंग जैसे हुआ, तो उसमें हर पौधा का अलग अलग प्रयोजन बताया गया है। तो आदमी को यदि बुखार हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए या जोड़ में दर्द हो जाए, ठीक है, तो उसमें एक पेड़ होता है जिसका नाम हरसिंगार होता है। वो हरसिंगार का दूसरा नाम पारिजात भी बोलते हैं। ये पारिजात का उत्पत्ति जो है हमारे पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए स्वर्गलोक से धरती पर लाया, जिसका नाम पारिजात कहते हैं। इसका फूल जो है सुबह सुबह झड़ता है और उजला और लाल पीला टाइप का होता है, जो कि माँ भगवती को चढ़ता है ये फूल। तो उसका औषधीय गुण, उसका इम्पोर्टेंस हमारे रोग को ठीक करने में बहुत ही कारगर दवा है हरसिंगार। हर आदमी के द्वार पर ये एक डेकोरेशन के रूप में भी लोग लगाते हैं। तो उसका जो प्रयोजन है वो पत्र है, पत्ता है। उसका प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग जो है उसका काढ़ा बनाते हैं पत्ता का। मान लिया कि ज्वाइंट पेन है, एनी टाइप ऑफ ज्वाइंट पेन, चाहे आम बात हो, संधिवात, संधिशूल, त्रिदोषा, जो भी है, तो 4 कप पानी में 10 हरसिंगार का पत्ता लेंगे और उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके पानी में डाल देंगे। फूल नहीं, पत्ता लेना है? हाँ, पत्ता लेना है। और उस पानी को धीमी आंच में उसको पकाएंगे, ना ज़्यादा हीट होगा ना ज़्यादा कम होगा, बीच वाला आग पर जो है उसको मतलब उसको भेपर के रूप में पानी को उड़ाना है, मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं उसी ढंग से। और जब खोलते 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 पानी, जब 3 कप पानी उड़ जाएगा, 1 कप पानी बच जाएगा, तो उस पानी को छान के सुबह खाली पेट में चाय की तरह लेना है। तो आप दोनों टाइम ले सकते हैं, सुबह शाम भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से किसी भी आदमी को, मान लिया इकोलाई होता है ये, मतलब UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ये रोग है इकोलाई, इकोलाई बिकोलाई नाम आप जानते हैं, तो उसमें भी इसका क्वाथ जो है, जो काढ़ा हम बनाए, बहुत ही कारगर फायदेमंद होता है। अच्छा, वो काढ़ा ठंडा पीना है या गर्म पीना? नहीं, वो सुषुम पीना है, सूक्ष्म करके। हाँ, जब भी पिएगा, नहीं पीना है, ठंडा भी नहीं पीना, जब भी पिए सुबह या शाम, जब भी नहीं, दोनों टाइम पीना है, खाली पेट में लेना है, खाली पेट जब रहे तभी उसका प्रयोग करना है, तभी लाभ जो है 100% लाभ होगा। तो इकोलाई के केस में, एनी टाइप ऑफ फीवर, ज्वर में भी, हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में ज्वर कहा गया है ना, मलेरिया का ज्वर हो, टाइफाइड का ज्वर हो, है ना, चाहे TB का ज्वर हो, एनी टाइप ऑफ ज्वर में भी हरसिंगार का काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बाद तो जोड़ का दर्द बता दिए, और लाभ देखिए सर्दी खांसी का, हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब श्वसन तंत्र में भी
यदि कफ जम गया हो, छाती में कफ जम गया हो, पुराना खांसी है, हैं यहाँ तक कि अब दम्मा उत्पन्न होने वाला हो, दम्मा के रूप में कन्वर्ट हो गया हो, दम फूलने लगा हो, हैं फेफड़ा जो है कड़ा हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, कड़ा हो गया, तो उस केस में भी, सर्दी खांसी में भी इसका काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। कितने दिनों तक यूज करना होगा? ये कम से कम ऐसे तो डिपेंड ऑन क्रोनिक है, एक्यूट है, इस पर हम लोग फिक्स करते हैं, तो कम से कम जो है 15 दिन, 1 महीना, जैसा बीमारी है, जैसा बीमारी होता है उसके हिसाब से हम लोग फिक्स करते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, इस काढ़ा का उपयोग करने से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो आयुर्वेद में होता ही नहीं है, उसका तो मात्रा फिक्स करना है। यदि मात्रा सही है तो किसी भी पेड़ पौधा का साइड इफेक्ट नहीं है, और मात्रा यदि आप ठीक से नहीं देंगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। ये भ्रम भी है आदमी में कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये आप जानिए मात्रा मेन चीज होता है। हमारे यहाँ तो 20 टॉक्सिटी, जो बथनाव होता है ना, बथनाव एक पेड़ का नाम होता है, वो टॉक्सिटी होता है 20 होता है, हैं उसका भी दवाई बनता है, पारद HG पारद जो होता है उसका भी दवाई बनता है, वो सब 20 के अंतर्गत आता है, तो उसका मात्रा फिक्स करना है, मात्रा पर डिपेंड करता है, सीमित में प्रयोग करना, हाँ उसका डोज फिक्स होना चाहिए, सीमित मात्रा होनी चाहिए, तो लाभ बहुत लाभ होगा। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर नंद कुमार मंडल, जिला संयुक्त औषधालय पूर्णिया में